राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठते ही द्रौपदी मुर्मू ने बता दिया अब देश में वो क्या करने वाली हैं। पहली बार भारत में कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है और अब भारत का इतिहास बदलने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को ही राष्ट्रपति के लिए क्यों चुना था, इस रिपोर्ट में आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर रामनाथ कोविंद तक जितने भी राष्ट्रपति रहे हर किसी ने देश के लिए कुछ किया, लेकिन द्रौपदी मुर्मू कुछ ऐसा करने आई है जो अब तक नहीं हुआ। द्रौपदी मुर्मू जो करने वाली है इसे खुद पीएम मोदी भी नहीं कर सकते थे। मुर्मू सिर्फ राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं बल्कि कुछ और करने आई है। इसका अंदाजा उन लोगों को भी नहीं था जो द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनते नहीं देखना चाहते थे। राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने खुद देश को बता दिया है कि आखिर एक चाय वाले ने देश की गरीब आदिवासी महिला को यहाँ तक क्यों भेजा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाई है। इस बीच अचानक से अपने ट्विटर पर द्रौपदी मुर्मू ने देश के लिए एक बड़ा संदेश भेज दिया। ये संदेश ऐसा था जिसे सुनकर पूरा देश हैरान है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि राष्ट्रपति के पद तक पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत के प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मैं जनजाति समाज से हूँ और वार्ड काउंसलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मैंने अपनी जीवन यात्रा ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू की थी। मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक बड़े सपने जैसा था, लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी थी। भारत के जवान जो परेशान है, अग्निवीरों की बात हो या पर सड़क पर चाय बेचने वाला, हर किसी के लिए राष्ट्रपति के पद पर बैठने के बाद मुर्मू ने जो कहा है उसे सुनना बहुत जरूरी है। द्रौपदी मुर्मू ने अपने दिल की बात युवाओं से कहते हुए लिखा है, मैं अपने देश के युवाओं से कहना चाहती हूँ कि आप न केवल अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं बल्कि भविष्य के भारत की नींव भी रख रहे हैं। देश के राष्ट्रपति के तौर पर मेरा हमेशा आपको पूरा सहयोग रहेगा। इसके साथ ही मैं चाहती हूँ कि हमारी सभी बहनें और बेटियां अधिक से अधिक सशक्त हों। आजादी के बाद से भारत में बड़े पदों पर अमीर और ताकतवर लोग ही बैठते रहे हैं, छोटे और गरीब लोगों को मौका नहीं दिया जाता था। पहले देश का प्रधानमंत्री एक चायवाला बना, अब देश की राष्ट्रपति ऐसी महिला बनी है जो गरीब और आदिवासी परिवार में पैदा हुई। मोदी और मुर्मू दोनों गरीब और छोटे लोगों का दर्द आसानी से समझ पाते हैं। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद हर गरीब और आदिवासी खुद को भारत से जुड़ा हुआ देखेगा। अगले 5 साल में द्रौपदी मुर्मू का मकसद होगा कि देश के अंदर कोई भी आदिवासी या फिर जनजातियों के लोग खुद को अलग नहीं समझें। मोदी ये खुद समझते थे कि ये काम सिर्फ द्रौपदी मुर्मू ही कर सकती थी। उड़ीसा के एक गरीब परिवार से निकलकर द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनी है। इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए देश की हर बेटी अब ये सपना देख सकेगी। यही वजह की शपथ लेने के बाद ही द्रौपदी मुर्मू ने कह दिया है कि देश का हर बेटा और बेटी उनके बच्चे की तरह है, हर मुसीबत में मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी। वैसे आपको क्या लगता है, द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद अब देश में क्या बदलने वाला है? आप अपना जवाब कॉमेंट बॉक्स पर देकर जरूर बताएं। न्यू टाइम्स के लिए रिपोर्ट।